नमस्कार दोस्तों, आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास ने कल यानी 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई की ओर से कुछ और रिलीफ मेजर्स घोषित किए हैं और इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो का टॉपिक आरबीआई बूस्टर 2.0 एंड वी रखा है। यानी हम ये समझें कि आरबीआई के इस पर्टिकुलर रिलीफ मेजर्स में क्या संदेश निहित है और हमें आगे के लिए किस प्रकार से अपनी प्लानिंग करनी है। तो अपनी वीडियो की शुरुआत सर मैं करना चाहता हूं आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के अंतिम पैरा से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरबीआई विल मॉनिटर द इवॉल्विंग सिचुएशन कंटिन्यूअसली एंड यूज ऑल इट्स इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस द डॉन्टिंग चैलेंजेस पोज्ड बाय द पेंडेमिक। तो एज अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ये प्रस्पेक्टिव रखती है कि वो अपनी ओर से ऐसे सारे प्रयास करेगी जिससे कि कोविड-19 से फेस जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में आरबीआई जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है वो करने के लिए कृतसंकल्प है। द ओवरचार्जिंग ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट साउंड लिक्विड एंड स्मूथली फंक्शनिंग सो दैट द फाइनेंस कीप्स फ्लोइंग टू ऑल स्टेक होल्डर स्पेशली दोज दैट आर डिसएडवांटेज एंड वल्नरेबल। और एक अंतिम बात सर, although social distancing separates us, we stand united and resolute. Eventually, we will cure and we shall endure. तो मैं इस स्टेटमेंट से सर निश्चित रूप से कलर लेते हुए आपके साथ आगे बढ़ आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट से दोस्तों जो पॉजिटिव बातें निकल करके आ रही हैं, पहले मैं उन्हें आपके सामने रखता हूं। इंडिया इज अमंग द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज दैट इज प्रोजेक्टेड टू पॉजिटिव ग्रोथ एट 1.9%। इनफैक्ट दिस इज हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग्स G20 इकोनॉमीज। तो आरबीआई गवर्नर का यह कहना है सर कि G20 इकोनॉमीज में इंडिया ही ऐसी कंट्री होगी जो कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव करेगी। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर अस। फॉर 2021 द IMF प्रोजेक्ट्स साइजेबल वी शेप्ड रिकवरी। सर साइजेबल वी शेप रिकवरी का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी अभी गिरी है एकदम से, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी में भी ऐसा ही गिरावट देखने को मिला है, इंडिया वापस से रिवर्स करने में निश्चित रूप से सक्षम होगा। तीसरी बात, बाय अप्रैल 10 प्री मानसून खरीफ सोइंग हैड बिगन स्ट्रांगली विद एकरेज ऑफ पेडी द प्रिंसिपल खरीफ क्रॉप अप बाय 37% इन कंपैरिजन विद द लास्ट सीजन। यानी पिछले सीजन की अपेक्षाकृत इस सीजन में खरीफ में पर्टिकुलरली चावल की जो बुआई हुई है, धान की जो बुआई हुई है सर, वो 37% ज्यादा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर में अच्छा बूम आएगा और एग्रीकल्चर में बूम आने का मतलब रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होना है। साथ ही साथ सर एक और बड़ी खबर है यहाँ पर। ऑन अप्रैल 15 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD फोरकास्ट अ नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून फॉर 2020 सीजन। द रेनफॉल एक्सपेक्टेड टू बी 100% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। यानी इस साल मानसून सामान्य रहने की आशा है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है सर, क्योंकि मानसून का सामान्य रहना आर्थिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 21.3% इन ट्रैक्टर सेल्स अप टू फेब 2020 एज अगेंस्ट अ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 0.5% इन अप्रैल टू फेब लास्ट ईयर। पिछले अप्रैल टू फेब 19 के कंपैरिजन में इस साल फरवरी 2020 तक 21.3% ट्रैक्टर्स की सेल में वृद्धि हुई है। ये भी दिखाता है सर कि एक इससे एग्रीकल्चर में वृद्धि होने वाली है, दूसरा फॉर्म लेबर शॉर्टेज भी जो है वो किसी हद तक ये लॉकडाउन की पोजीशन से जो क्रिएट हुई है इससे वापस से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई संभावना बनती दिखती है। न्यूज भी दोस्तों आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट पर है, पर मैं अभी नेगेटिविटी की बात नहीं करते हुए आपके साथ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर कुछ सीमित चर्चा ये करने जा रहा हूं कि आरबीआई ये कह रही है मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स फेल बाय 28.7% इन मार्च अक्रॉस द बोर्ड। तो निश्चित रूप से सर, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो मार्च में सर इंपोर्ट्स में भी कमी देखने को मिली है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज अमाउंटेड टू $40.6 बिलियन ड्यूरिंग 2019-20 अप्रैल टू फेब अप फ्रॉम $29.9 बिलियन अ ईयर अगो। पिछले साल के 29.9 बिलियन डॉलर के कंपेरिजन में इस साल इंडिया में $40.6 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। तीसरी बात, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिकॉर्डेड इनफ्लो ऑफ $0.4 बिलियन ड्यूरिंग 2020-21 टिल अप्रैल 9 एज अगेंस्ट द इनफ्लो ऑफ $0.2 बिलियन अ ईयर अगो। पिछले साल इसी रिस्पेक्टिव पीरियड में $0.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था और इस साल अभी तक $0.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट
ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। तो ये सर फॉरेन करेंसी रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन जो महत्वपूर्ण थे वो। साथ ही साथ एक और बात, द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यू टू रोबस्ट एट US $476.5 बिलियन ऑन अप्रैल 2020 इक्वलेंट टू 11.8 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। तो एक अच्छा फॉरेन करेंसी रिजर्व सर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के फ्यूचर मार्केट को, इंडिया के फ्यूचर ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने में मदद करता है। कुछ की मेजर्स दोस्तों जो ये आरबीआई की पॉलिसी लेकर के आ रही है, इसमें चार मुख्य बातें की गई है। मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम, फैसिलिटेट एंड इंसेंटिवाइज बैंक क्रेडिट फ्लोज, इज फाइनेंशियल स्ट्रेस जिसमें कि रिलैक्सेशन इन एनपीए नॉर्म्स शामिल है, एंड एनेबल द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। और ये चीजें किस प्रकार से आ रही है सर, दिस इंक्लूड्स रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम करी है। रिवर्स रेपो रेट कम करने का दोस्तों सीधा सा इंपैक्ट आप ये समझ सकते हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लैंड करती है, यानी बैंक को उधार देती है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखती है। जब रिवर्स रेपो रेट कम की जाएगी सर, तो बैंक अपना पैसा जो बैंकों से आरबीआई के पास जाता है वो कम प्रेफर करेंगे आरबीआई के पास रखना। दे विल प्रेफर कि उन्हें कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसी परिस्थिति में सर, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो बैंकों को मार्केट में वो पैसा लाना है, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कंपनीज को दिया गया लोन हो, एसएमई सेक्टर में दिया गया लोन हो। तो इससे आरबीआई मानती है सर कि लिक्विडिटी में वृद्धि होगी। रीफाइनेंसिंग एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो छोटे लेवल पर काम करती हैं, उनके लिए भी सर रीफाइनेंसिंग की सुविधा आरबीआई बढ़ाने की बात कर रही है। प्रोवाइडिंग फंड्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ टू एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड एंड सिडबी। इस प्रकार से सर मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आरबीआई लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की और लिक्विडिटी एज क्रिएट करने की बात इस पॉलिसी से आरबीआई ने की है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई ने जो डिक्लेरेशन दिया था उसमें आरबीआई ने 3,74,000 करोड़ रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में फूकने की बात करी थी। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये जो मेजर्स हैं ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी एज क्रिएट करेंगे, और लिक्विडिटी एज का मतलब है कि भविष्य में जब आपको हमको पैसा चाहिए होगा तो वो पैसा निश्चित रूप से बैंकों से सस्ती दर पर उपलब्ध होना चाहिए। अपने सुझावों पर बढ़ने से पहले सर एक और महत्वपूर्ण सूचना या जो चीज जानकारी हमारे काम की है, रिसेंट डेवलपमेंट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन इंडिया में क्या चल रहे हैं आरबीआई, इसको भी हमारे सामने लेकर के आती है। और ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि इन्फ्लेशन नियंत्रण में है यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो बैंकों की इंटरेस्ट रेट नियंत्रण में रहेगी, कम रहेगी, इससे हमारे को बिजनेस करने के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा, ऐसी पॉजिटिविटी हम मान सकते हैं। पहली बात, एनएसओ On April 13, 2020 showed consumer price index inflation for March 2020 declined by 70 basis points to 5.9%. ठीक है, तो ये सर इन्फ्लेशन कम होने संबंधी जानकारी है। इसी पर डेटा शोड अ सॉफ्टनिंग ऑफ फूड इन्फ्लेशन बाय अराउंड 160 बेसिस पॉइंट का मतलब है सर फूड इन्फ्लेशन 8.6% कम हुई है ऑन अकाउंट ऑफ एजिंग ऑफ प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल, एग्स, मीट, फिश, पल्सेस, ऑयल एंड फैट्स, फ्रूट्स एंड शुगर एक्सेट्रा। साथ ही डोमेस्टिक एलपीजी के प्राइस में भी 8% की कमी देखने को मिली है। दीज अर्ली डेवलपमेंट सजेस्ट इन्फ्लेशन इज ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री, हैविंग फॉलन बाय 170 पॉइंट्स फ्रॉम जनवरी 2020 पीक, एंड इन द पीरियड अहेड इन्फ्लेशन कुड रिसीड इवन फर्दर, बारिंग सप्लाई डिसरप्शन शॉक्स एंड may even settle well below the target of 4% for the second half of 2020-2021. तो ये सर एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको भविष्य में इन्फ्लेशन का नियंत्रित रहना भारतीय इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा। ये अंतिम पोर्शन दोस्तों मेरी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट नेक्स्ट। बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी इज टू द मार्केट। मेरा ये मानना है या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जितनी आरबीआई ने लिक्विडिटी एज क्रिएट करी है, चाहे 27 मार्च के पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू और चाहे कल 17 अप्रैल के पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू, अल्टीमेटली बैंकों को, एनबीएफसीज को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इन स्कीम्स का, इन बेनिफिट्स को अल्टीमेटली जनता जनार्दन तक पहुंचाना है। यह चैलेंज है वास्तव में, वो कैसे इसे पहुंचाते हैं ये, इस चीज को आरबीआई को भी मॉनिटर करना है और बैंकों को सुनिश्चित करना है।
Ask your bank about the current rate of interest in your loan account, whether any rate revision possible. मेरा फिर आपसे ये अनुरोध है सर कि आप यदि किसी लोन ले रखा है आपने और जब तक वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, मैं छोटे मोटे लोन, कार लोन वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस लोन है, होम लोन है, आप इनके संदर्भ में बैंक से अपनी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता करिए। यदि बैंक उस रेट को स्वयं रिवाइज करने वाला है तो आप अपडेटेड रहिए, या स्वयं नहीं रिवाइज करेगा, आपको कोई कन्वर्जन का ऑप्शन या लोअर रेट का ऑप्शन दे रहा है तो उसको अवेल करिए। तीसरी बात, इंक्वायर विद द बैंक वेदर न्यू फैसिलिटी और एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू यू। यदि आप शॉर्ट ऑफ कैपिटल हैं, आपको भविष्य में अपने व्यापार के लिए और पूंजी की आवश्यकता है, तो ये जो लिक्विडिटी नॉर्म्स में इजीनेस आ रही है, इसका फायदा आप इस प्रकार से भी उठा सकते हैं कि बैंक आपको कुछ एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जैसे आपकी सीसी लिमिट को बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्लानिंग टू रिलीज अ स्टिमुलस पैकेज सून। ऐसा मेरे को जो भी मैंने भी न्यूज़पेपर आपकी तरफ पढ़ता हूं सर, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निकट भविष्य में एक स्टिमुलस पैकेज यानी कोई आर्थिक पैकेज लाने की बहुत जल्दी संभावना है। ये भी सर व्यापार के लिए उत्साहकारी कदम होगा। मेक अ बिजनेस प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हम सबको सर अपना बिजनेस प्लान बनाना है कि किस प्रकार से अब नेक्स्ट ईयर में हम अपनी प्लानिंग, चाहे वो टैक्स प्लानिंग हो, चाहे बिजनेस प्लानिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, वो करनी है, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम में किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से प्लानिंग की जानी चाहिए। इवेल्युएट एज टू हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लोन रीपेमेंट्स एंड क्रेडिटर। आपको सर निश्चित रूप से इवेल्युएशन करना चाहिए कि आपके लोन रीपेमेंट्स को और क्रेडिटर्स को आप आने वाले समय में कैसे मैनेज करेंगे, चाहे आप लोन की किस्त को किसी प्रकार से घटवा सकें, चाहे आप क्रेडिटर्स से कुछ एक्स्ट्रा पीरियड मांग सकें, इस प्रकार की चीजों पर आपको विचार करना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद योर डेटर्स, चेक द रिकवरी स्टेटस। आपको अपने डेटर्स से संपर्क करके ये देखना होगा कि उनका रिकवरी, उनसे आप कितनी फास्टर कर सकते हैं, उनमें से किसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है या कौन आपको कब तक भुगतान कर सकता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात, कंट्रीब्यूट योर शेयर टू द इकोनॉमी एंड कंट्री, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव। बहुत महत्वपूर्ण है सर, हम हालांकि इस COVID-19 के दौर से गुजर रहे हैं, हर कोई अपने लिए बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन साथ ही हमें यह तय रखना है कि इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए हम जो भी बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके वो भी हमें कंट्रीब्यूट करना है सेफ रहते हुए। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि RBI जिस प्रकार से सर पॉजिटिव स्टेप्स उठा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आने वाले समय में इसी प्रकार से कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेके आएगी। हमें बस ये देखना है सर कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे करें कि आने वाले समय में हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक सिद्ध हों। आज के लिए मैं यही अपना डिस्कशन समाप्त करता हूं। जय हिंद।